हरे कृष्णा। एक समय की बात है, श्री नारद मुनि जो भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, एक महान संत हैं, वे जा रहे थे अपनी यात्रा पर। तो एक गांव से पास हो रहे थे, गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा एक बड़े बनियान ट्री, वट वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा है और जूता रिपेयर कर रहा है। वो कॉबलर था, मोची, जो लोगों के जूता ठीक करता है। तो उस मोची ने नारद मुनि को देखा तो प्रसन्न हो गया, उनको दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया और बहुत खुशी जाहिर किया कि मैं आज आपका दर्शन किया। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि मैं तो रोज़ लोगों के जूते सीता हूँ, इधर कुछ ज़्यादा भक्ति भी नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, आप तो बहुत महान भक्त हैं, आप आज कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि ने कहा, मैं जा रहा हूँ वैकुंठ नारायण से मिलने के लिए। नारद मुनि को इतनी स्वतंत्रता उपलब्ध है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं। तो मोची खूब प्रसन्न हो गया ये सुनकर। उसने कहा, आप मेरा एक प्रश्न पूछिए भगवान नारायण से। पूछेंगे? नारद मुनि ने कहा, हाँ बताइए, क्या प्रश्न है आपका? उसने कहा कि नारायण जी से पूछिए कि मुझे मुक्ति कब प्राप्त होगी, कब मैं वापस वैकुंठ जाऊंगा और भगवान नारायण की सेवा करूंगा। तो नारद मुनि ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा, और आगे बढ़े। आगे उन्हें एक ब्राह्मण दिखा, वो बैठकर यज्ञ कर रहा था। वो ब्राह्मण नारद मुनि को देखकर प्रसन्न हुआ, उसे नमस्कार किया और नारद मुनि से पूछा कि कहाँ चल दिए, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने कहा कि मैं जा रहा हूँ वैकुंठ भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसने कहा, नारद मुनि, मैं बचपन से ब्राह्मण परिवार में मंत्र उच्चारण करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, तपस्या करता हूँ, पाप नहीं करता हूँ, सादा जीवन जीता हूँ, रोज यज्ञ करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो अभी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं मुक्ति प्राप्त करूँ, क्या आप मेरा एक प्रश्न पूछेंगे भगवान नारायण से? नारद ने कहा, हाँ क्या पूछना है? उनसे पूछिए अभी मुझे कब मुक्ति प्राप्त होगी, जन्म मृत्यु के चक्कर से कब मैं वापस उनके धाम जाकर उनकी सेवा करूँ। तो नारद मुनि का ठीक है। नारद मुनि सोच रहे थे आश्चर्य से कि दोनों ने एक ही सवाल पूछा है, और इस तरह वो पहुंचे भगवान नारायण के पास वैकुंठ जगत में। लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया, बातचीत किया। फिर उन्होंने भगवान नारायण को कहा कि मैं अभी जब आ रहा था आपके पास तो मुझे दो व्यक्ति मिले, एक मोची और एक ब्राह्मण, दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा है कि उनको मुक्ति कब प्राप्त होगी, कब वो वैकुंठ जगत में आएंगे। तो भगवान नारायण ने कहा कि वो जो ब्राह्मण है उसको कहना कि अभी उसको हजारों जन्म और इस भौतिक दुनिया में रहना होगा, उसके बाद उसको मुक्ति प्राप्त होगी और वो वैकुंठ जगत आएगा। और वो जो मोची है उसको कहना कि वो इसी जन्म कुछ सालों बाद जब मृत्यु प्राप्त होगी तो उसको मुक्ति मिलेगी, देह छोड़कर वो सीधा वैकुंठ जगत आएगा। नारद मुनि ये सुनकर हैरान हो गए। उनको अंदाजा था कि ब्राह्मण तो अच्छा पूजा पाठ वेद उच्चारण यज्ञ कर रहा है, उसको जल्दी गति मिलना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। तो उन्होंने भगवान नारायण से पूछा, ये मुझे समझ में नहीं आई बात।
भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, आप फिक्र मत करो, आपको जल्दी ही समझ जाएगा। फिर नारद मुनि जब जा रहे थे वापस, तो भगवान नारायण ने उनको कहा कि और एक बात, जब आप नीचे जाएंगे ब्राह्मण और मोची से मिलेंगे, तो वो शायद आपसे पूछेंगे कि भगवान नारायण ऊपर क्या कर रहे थे, तब आप क्या जवाब देंगे? नारद मुनि कहा, अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं, क्या जवाब दूं? भगवान नारायण ने कहा, आप उनको बताना कि जब मैं ऊपर गया तो भगवान नारायण एक सुई निडल के आँख में, होल में, छेद में एक बड़ा हाथी डाल रहे थे, छोटे छेद में बड़ा हाथी डाल रहे थे। नारद मुनि मुस्कुरा दिए, बोला ये कैसी लीला आपकी? भगवान नारायण ने कहा, आप सब समझ जाओगे। फिर नारद मुनि नीचे आए वापस, उसी गांव में आए, तो इस बार पहले ब्राह्मण मिले उसको, तो ब्राह्मण नारद मुनि को देखकर प्रसन्न हो गया, उनको घर पे बुलाया, नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया और उनको पूछा, नारद मुनि जी आप गए वैकुंठ गए? और हाँ गया। नारायण से मिले? हाँ मिला। मेरा प्रश्न पूछा? बोला हाँ पूछा। तो क्या कहा नारायण जी ने बताइए? नारद मुनि ने कहा, भगवान नारायण ने कहा है कि अभी आपको हजारों जन्म और इस दुनिया में रहना होगा, उसके बाद आपको मुक्ति प्राप्त होगी। वो ब्राह्मण क्रोधित हो गया, बोला ये क्या बोल रहे हैं आप? बचपन से मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, वेद पाठ कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, निष्पाप जिंदगी जीता हूँ, कोई पाप नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, और मुझे हजारों जन्म लगेंगे मुक्ति के लिए, ये तो अन्याय है। आप सच में गए थे नारायण जी के पास? नारद मुनि कहा, हाँ भगवान नारायण ने बताया ये उत्तर। तो अच्छा, अगर आप गए थे सच में, तो मुझे बताइए भगवान नारायण क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि ने कहा कि जब मैं गया तो मैं देखा भगवान नारायण एक सुई के छेद में, उसकी छोटे आंख में बड़ा हाथी डाल रहे थे। वो ब्राह्मण और क्रोधित हो गया, जोर से बोलने लगा कि आप तो हमको मूर्ख बना रहे हैं, कोई सुई के छेद में हाथी जाता है क्या? आप तो नारायण के पास गए नहीं, ऐसे बना रहे हैं, आप चले जाइए इधर से। और नारद मुनि चले गए। फिर आगे गए तो मोची मिला, वो मोची बहुत प्रसन्न हो गया नारद मुनि को देखकर, और उनको बिठाया और उनको कहा, नारद मुनि जी कैसे रही आपकी वैकुंठ यात्रा? नारद मुनि कहा, ठीक रही, भगवान नारायण का सुंदर दर्शन हुआ लक्ष्मी जी के साथ। मोची ने कहा, क्या आपने मेरा प्रश्न पूछा? बोला हाँ पूछा। बोला कृपया बताइए क्या उत्तर मिला, मुझे कब मुक्ति मिलेगी? नारद मुनि ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इसी जन्म मुक्ति प्राप्त होगी, कुछ सालों बाद जब आप देह का त्याग देंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आप भगवान नारायण का संग प्राप्त होगा, उनका सेवा प्राप्त होगा, उनका दर्शन प्राप्त होगा, वैकुंठ जाएंगे आप। मोची इतना खुश हो गया, झूमने लगा, नाचने लगा, हाथ ऊपर करके जंप करने लगा, कूदने लगा, हरी बोल हरी बोल, बहुत खुश हो गया कि मैं इसी जन्म मुक्ति प्राप्त करूंगा। बोले मेरे नारायण कितने कृपालु हैं, मैं इतना भक्ति नहीं करता हूं, फिर भी मुझे मुक्ति दे रहे हैं। तो मोची ने पूछा कि और बताइए, कुछ लीला बताइए, भगवान क्या कर रहे थे जब आप गए? नारद मुनि ने कहा, जब मैं गया तो देखा भगवान नारायण के हाथ में एक छोटा सा सुई था, उसके बहुत छोटे से आंख में, छेद में भगवान नारायण एक बड़ा हाथी डाल रहे थे। ये सुनकर मोची हंस के फिर कूदने लगा, हरी बोल मेरे नारायण कितने शक्तिशाली हैं, क्या क्या काम करते रहते हैं, वाह। नारद मुनि ने मोची को कहा कि एक मिनट, क्या आपको सच्ची में लगता है ऐसा संभव है? क्या कोई इतना बड़ा हाथी छोटे से सुई के छेद में जा सकता है, डाल सकता है कोई? तो मोची ने कहा, नारद मुनि जी मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो वटवृक्ष है ना, इसके नीचे मैं सालों से बैठा हूं, और इसके ऊपर छोटे 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 फल हैं जो कभी कभी गिरते हैं, और वो फल के अंदर छोटा बीज है, बहुत सारे बीज है, हर एक छोटे बीज में ये पूरा वटवृक्ष है, ये पूरा वटवृक्ष एक बीज से आया है। तो जब भगवान नारायण एक छोटे बीज में इतना बड़ा वटवृक्ष डाल सकते हैं,
तो एक छोटे से आंख में, सुई के आंख में हाथी क्यों नहीं डाल सकते? वो सब कुछ कर सकते, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। ये बात सुनकर नारद मुनि समझ गए कि क्यों ये मोची इसी जन्म जा रहा है वैकुंठ मुक्ति प्राप्त कर रहा है, और क्यों ब्राह्मणों को हजार साल लग रहा है। क्योंकि ये मोची भले ही जूते सीता हो, लेकिन उसको भगवान नारायण के ऊपर श्रद्धा है। वो ब्राह्मण धर्म का कार्य करता है, लेकिन उसको भगवान नारायण के ऊपर श्रद्धा नहीं है। तो हमारा भाव क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। भक्ति में भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान है, हमारी हर समस्या का वो हल करेंगे। इस विश्वास के साथ जब हम भक्ति करते हैं, इस विश्वास के साथ जब पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो हमें ज़्यादा लाभ होता है। तो ये भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और ये विश्वास उत्पन्न होता है कथा सुनने से, शास्त्र पढ़ने से, भक्तों के संग में रहने से, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से ये विश्वास बढ़ता है। तो हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए अपने जीवन में, अपने घर में, ऐसे मित्र रखने चाहिए, ऐसे संगी साथी रखने चाहिए जो हमारा विश्वास आगे बढ़ाए, और इस तरीके से हम भगवान नारायण को प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।